तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आर एड्स। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आज गाइस कुछ हम लोग इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं गाइस। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइस, तो आप मुझे अभी कभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइस। वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट डालते रहता हूँ एडिटिंग की। और गाइज, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी स्टॉक पिक्चर PNG यूज की है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वीडियो में एंड तक बने रहना गाइज, तभी आपको एडिटिंग अच्छे से समझ आएगी। तो चलो गाइज, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपना पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लेना है और उसमें कुछ इस टाइप का वाइट बैकग्राउंड ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज, आपको जाना है क्रॉप में और इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके डन कर देना है। फिर गाइज, आपको जाना है ऐड फोटो के अंदर, और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, आपको एक फ्लोर की PNG ऐड करनी है यहाँ पे। यहाँ पे इसे अपने पिक्चर में आप फिट कर ले गाइज ऐड करने के बाद, और इसे थोड़ा क्रॉप कर दें नीचे से, सिर्फ इसका फ्लोर रखें और इसे मैं अपने पिक्चर में फिर बड़ा करके फिट कर दूंगा। इसके बाद गाइज, आपको फिट कर लेने के बाद फिर से जाना है गाइज ऐड फोटो में, और हमें स्टडी केमिकल PNG ऐड करनी है। यहाँ पे मैं ये ऐड कर दिया हूँ गाइज। अब इसे मैं अपनी पिक्चर में अच्छे से फिट कर दूंगा पिक्चर के साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने फिट भी कर दिया है गाइज। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेजिंग भी कर देंगे फिट करने के बाद। यहाँ पे मैंने इरेजर सेलेक्ट कर लिया है गाइज। अब हम सिंपली ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पे गाइज, मैं पहले थोड़ा इरेज कर ले रहा हूँ, उसके बाद ओपेसिटी कम करूँगा। सिंपली गाइज, अब मैं ओपेसिटी और हार्डनेस को कम करूँगा और साइज़ बढ़ा दूँगा, और नीचे से थोड़ा थोड़ा इरेजिंग स्टार्ट कर दूँगा। ये कर लेने के बाद गाइज, यहाँ पे हमें फिर से कर देना है सिंपली डन। और ये हमें केमिकल वाला जो फॉर्मूला PNG गाइज से हम थोड़ा नीचे कर देंगे बड़ा करके, और सिंपली फिर ये करके हम गाइस कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा रीस्टोर, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इरेज हो चुका है। ये कर लेने के बाद गाइस, हमें डन कर देना है और इसे सेव कर लेना है। ये कर लेने के बाद गाइस, फिर हमें जाना है ऐड फोटो के अंदर, और ऐड फोटो में जाके गाइस हमें बुक्स की PNG ऐड कर लेनी है। यहाँ पे मैं बुक्स की PNG ऐड कर लिया हूँ। ये ऐड कर लेने के बाद आपको जाना है सिंपली शेडो सेक्शन में, और आपको सिंपली इसका साइड वाला जो है उसको 100 कर देना है गाइज, और इधर वाला को 45। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में गाइज, आपको वर्टिकल को रखना है 21 एंड हॉरिजॉन्टल को -3। यहाँ पे मैं थोड़ा और एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको वर्टिकल को 35 कर देना है गाइज, और डन कर देना है। सिंपली हमें जाना है क्रॉप में, ऊपर से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, उसे मैं क्रॉप कर दे रहा हूँ। अब हम गाइज यहाँ से सिंपली जाएंगे ड्रॉ टूल में गाइज, हमें थोड़ी सी शेडोज ड्रॉ करनी है अपनी पिक्चर में। यहाँ पे मैंने गलती से टेक्स्ट खोल दिया, अब मैं सीधे ड्रॉ टूल में जाऊँगा गाइज। यहाँ पे मैंने ड्रॉ टूल में आने के बाद यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर लिया, और गाइज नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेंट कर दूंगा अपने बुक के ऊपर और फ्लोर पे भी, क्योंकि उसे एक अच्छा शैडो इफेक्ट आएगा गाइस। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये कर लेने के बाद हमें यहाँ पे कर देना है सिंपली डन। उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार मैं अपने मॉडल का कटआउट ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना कटआउट ऐड कर ले, अगर आपको कटआउट बनाना नहीं आता तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वीडियो देख लें। ये कटआउट ऐड कर लेने के बाद भी हमें थोड़ा सा इरेज कर लेना है। आप अगर आपका कटआउट सही है तो आप इरेज नहीं करें, मेरे कटआउट में थोड़ा सा एरिया बच गया था इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इरेजिंग कर दिया, अब मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा डन, और डन कर लेने के बाद हमें जाना है शैडो सेक्शन में, और हमें फिर से ब्लर को कर देना है 100 और ओपेसिटी को 18, वर्टिकल को -6 एंड हॉरिजॉन्टल को
+27। यहाँ पे मैं ओपेसिटी को 66 कर दिया हूँ फिर, और सिंपली मैं यहाँ पे कर दूँगा डन। इसके बाद फिर से मैं जाऊँगा ये ड्रॉ टूल के अंदर, और इस बार मैं अपनी शूज़ पे ब्लैक कलर ड्रॉ करूँगा। ये कर लेने के बाद भी हम यहाँ पे कर देंगे गाइस सिंपली डन, एंड फिर से मैं जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर ही। इस बार मैं एक बुक की PNG ऐड करूँगा। ये ऐड कर लेने के बाद हमें इसे अपने लेग्स पे अच्छे से फिट कर देना है, और हमें ओपेसिटी थोड़ा कम करना है, एंड हमें जो भी बुक का पोर्शन हमारे हैंड या बॉडी पे आ रहा है उसे हम इरेज कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लेग्स के पास से भी इरेज करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लें, यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये कर लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली कर दूँगा डन, और इसकी ओपेसिटी पहले जैसी 100 कर दूँगा। फिर से मैं जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर। इस बार मैं ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार एक ब्लू फेरी PNG ऐड करूँगा। इसे भी ऐड कर लेने के बाद हमें इसे अपने बुक के साइज़ का कर देना है, एंड जो भी पोर्शन इसका हमारे बुक पे आ रहा है उसे इरेज कर देना है, और जो भी पोर्शन इसका अपर जा रहा है बस वो रहने देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी इरेज कर दिया है, एंड मैं यहाँ पे इसे इरेज करके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इरेज कर दिया है कॉर्नर्स पे, मैं इसे रिस्टोर कर दे रहा हूँ। ये कर लेने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँगा डन, एंड डन कर लेने के बाद गाइज आपको फिर से जाना है यहाँ पे ऐड फोटो में, और ब्लू लाइट PNG ऐड करनी है हमें। इसकी ओपेसिटी ऐड कर लेने के बाद कर देनी है कम। यहाँ पे मैं ओपेसिटी को रखा हूँ 35, आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। उसके बाद आपको जाना है ब्लेंड टूल के अंदर और डार्कन सेलेक्ट कर लेना है उसमें, और इसे बड़ा करके अपने पिक्चर में फिट कर देना है, और सिंपली हमें यहाँ पे फिर कर देना है डन। उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा ऐड फोटो में और पेपर्स की PNG ऐड कर लूँगा यहाँ पे। ये ऐड कर लेने के बाद हमें एक साइड पहले इसे क्रॉप कर देना है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख लें। और यहाँ पे मैं इस साइड से इसे फिट कर दूंगा ऐसा कि ये हवा में उड़ रहा है गाइस। देन हम फिर से वही PNG ऐड करेंगे अपनी पिक्चर में इस साइड फिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड साइड भी फिट कर दिया है, और सिंपली मैं कर दूंगा डन। इसके बाद आपको सिंपली अपनी पिक्चर खोल लेनी है लाइटरूम में। लाइटरूम में पिक्चर खोल लेने के बाद आपको जाना है लाइट सेक्शन में, एंड आपको सबसे पहले अपना एक्सपोजर एडजस्ट कर देना है 0.-0.32 पे, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर दूंगा। कॉन्ट्रास्ट को हम रखें 4 पे गाइस। हाइलाइट्स को 20 कर देना है, एंड शेडोज़ को 16, देन वाइट्स को भी मैं थोड़ा एडजस्ट करके -40 रख दिया हूँ, ब्लैक्स को -21 कर दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद सिंपली भी हमें जाना है यहाँ पे टेम्परेचर सेक्शन में, एंड टेम्परेचर को -2 पे कर देना है, टिंट को प्लस कर देना है गाइस +2, और देन वाइब्रेंस को भी +2 एंड सैचुरेशन को भी +2। उसके बाद हमें टेक्सचर को कर देना है 4, क्लैरिटी को 6, TH को 4, और विंटेज को आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर के विंटेज -28 रखा हूँ। तो एडिटिंग हो गई हमारी कंप्लीट गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना।